हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो आज हम देखेंगे बोलेरो पिकअप में कौन सी क्लिच प्लेट डलवाएं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो बोलेरो पिकअप जो कि महिंद्रा कंपनी की है, वो खुद अपनी क्लिच प्लेट MSL से लेती है। तो महिंद्रा में ये बहुत महंगी पड़ेगी, तो इसके लिए हम MSL से ही क्लिच प्लेट डलवाएं। और MSL की सर्विस महिंद्रा से बहुत अच्छी है, आप यकीन नहीं करेंगे, और सस्ती भी बहुत है। तो अब मैं बताऊंगा आपको, ये तीन क्लिच प्लेट हैं जो तीनों की तीनों MSL की हैं। ये पहली वाली क्लिच प्लेट जिसकी MRP है 3770। ये क्लिच प्लेट थोड़ी पतले पट्टे की है, तो इससे ये थोड़ी जल्दी घिस जाती है। और बोलेरो पिकअप है ना, उनमें यही डलती आ रही है पहले से, लेकिन आजकल की जो नई गाड़ी है ना, उनमें 48 वाली डली आ रही है। तो ये क्लिच प्लेट आप तभी डलवाएं जब आप बहुत कम वजन रहता हो आपकी गाड़ी में, क्योंकि ये जल्दी चली जाती है, ये हैवी लोड के लिए नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये तीनों क्लिच प्लेट है ना जो कि MSL की है, ये बोलेरो पिकअप में डल जाएगी। आप ये ना सोचें कि ये पतली है मोटी है तो कैसे डलेगी, वो डल जाएगी। अब ये 3700 वाली आप देख रहे हैं, इसमें बायर्स भी नहीं है कॉपर के। अभी हम देखेंगे सेकंड क्लिच प्लेट जो कि है हैवी ड्यूटी क्लिच प्लेट। ये क्लिच प्लेट 48 mm की है, मतलब उससे तो डेढ़ गुना के समथिंग चौड़ा पट्टा है सब गुना। और ये क्या है, धीरे धीरे घिसती है और ये लंबे टाइम तक चलती है। जैसे कि मैंने पहली क्लिच प्लेट बताई जो कि 3700 की थी, उसमें कॉपर वायर नहीं आते, तो वो क्या है, वो जल्दी घिस जाता है, उसका वो कार्बन है ना वो। लेकिन इसका क्या है, इसमें कॉपर वायर के आने के कारण ये बहुत लंबे टाइम तक की चलेगी। मैं इसको खोल के बता देता हूं आपको। इसकी प्राइस है 4800 रुपए, और बहुत ही कम लोग होंगे जो 4800 कम में आपको देंगे। ये 100-200 कोई कर सकता है, आप अगर ज्यादा करें तो ये हैवी ड्यूटी है। और इससे मुझे लगता है इसकी सर्विस डबल है। अगर आप मीडियम वेट रखते हैं, ऐसे कुछ मार्बल वगैरह और वो रखते हैं, तो ये बेस्ट है। मैं आपको जूम करके बताऊंगा, इसमें देखिए आप कॉपर भी देखेगा आपको, और ये पहली वाली क्लच प्लेट में नहीं देखेगा। कॉपर से इसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है, देखिए आप कॉपर देख रहा होगा, और ये बहुत चौड़ा पट्टा भी है पहली वाली इसका, देखिए पट्टा भी पतला है, और इसमें कॉपर नहीं है, इसमें नॉर्मल वायर है। तो ये आप डलवा सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा हैवी माल धोते हैं अपनी गाड़ी से। तो देखिए चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, और मैं आपको फाड़ के बता देता हूँ, एक्चुअली आप नहीं देख पा रहे होंगे। और ये दोनों 6 स्प्रिंग की हैं, इसमें आप स्प्रिंग भी देख सकते हैं, थोड़ी हैवी आएंगी 48 वाली में, इसमें जो कि 37 वाली में आपको बता रहा हूँ अभी, ये कितना पतला पट्टा है। अब मैं बताऊंगा BS6 कॉम्प्लियंट, ये है सबसे हैवी क्लिच प्लेट, ये 4800 से भी हैवी आएगी। जब आप एक्सट्रीम लेवल ऑफ बहुत ही ज्यादा अपनी गाड़ी में सामान रखते हैं, बहुत ज्यादा हैवी मार्बल्स, बहुत ज्यादा टन हो गए, तो आप ये वाली डलवा सकते हैं। इसकी MRP है 5500। ये तो 48 वाली है, ये सेंटर वाली, और जो लेफ्ट साइड में है वो है 5500 वाली। इसकी मैं आपको बता देता हूँ 5550, क्योंकि आपको 5500-5400 में पड़ेगी। अब मैं आपको तीनों का रिव्यू देके बता देता हूं। तो ऐसा है, अगर आप ज्यादा बहुत ज्यादा सामान आपकी गाड़ी में, बहुत ज्यादा से नहीं, अगर बहुत ज्यादा हैवी सामान आपके में रख रहे हैं, तो आप BS6 डलवा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप 48 वाली रखिए, हैवी ड्यूटी वाली वो बेस्ट है। ये सबसे पहली वाली 3700, ये 48 वाली, ये 5500 वाली, आप 48 वाली डलवाएं, ये बेस्ट है। मतलब ना ज्यादा हैवी भी है और मीडियम रेंज की भी है, और आपको इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। और ये 3700 वाली आप तभी डलवाएं, आप सब्जी वगैरह बहुत कम हैवी सामान ले जाएं, तो आप ये डलवा सकते हैं बोलेरो पिकअप में। और आप देखें आपकी क्लिच प्लेट, तो महिंद्रा भी आजकल MSL की ही क्लिच प्लेट रख रही है अपने बॉक्सेज में। तो और महिंद्रा की बहुत क्या महंगी भी दे रहे हैं क्लिच प्लेट, और महिंद्रा आजकल डी माल बहुत ज्यादा आ रहा है, उसमें लोकल्स बहुत ज्यादा रही है क्लिच प्लेट है, क्योंकि ये दिल्ली से लोकल आ रही है, लेकिन MSL ऐसा नहीं है।
तो दोस्तों मैंने आपको अपनी वीडियो तो बता दी, तो मेरा टारगेट है 1000 व्यूज, अगर 1000 सॉरी लाइक्स, अगर ये 1000 लाइक्स इस वीडियो पे आएंगे तो मैं अपना नेक्स्ट पार्ट भेजूंगा और बनाऊं और भी और इससे अच्छी वीडियोस लाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक्स करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो को देखने के लिए और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।